ओम नमस्ते दोस्तों। अगर आप खूब पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों नवरात्रि के इन 9 दिनों में कर ले यह 9 उपाय एक बार अवश्य आजमाएं। दोस्तों शक्ति का पर्व नवरात्रि धन के विशेष उपायों के लिए भी शुभ व असरकारी माना जाता है। दोस्तों अगर आपकी तमन्ना है जीवन में खूब धन कमाने की, खूब तरक्की पाने की, तो यह 9 उपाय आपके लिए ही है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों उपाय नंबर एक, दोस्तों नवरात्रि के दिनों में हर 9 दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। पान का बीड़ा मतलब दोस्तों मीठा पान। पान का बीड़ा मतलब दोस्तों आपको हनुमान जी को पान या मीठा पान हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। उपाय नंबर दो, अगर दोस्तों आप नवरात्रि में अखंड दीप नहीं जला पा रहे हैं ही या तेल का दीपक जलाना ना भूले, दीपक में 4 लौंग अवश्य डालें दोस्तों। उपाय नंबर तीन, दोस्तों 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुंदरी में रखकर माता रानी को अर्पित करना चाहिए दोस्तों। उपाय नंबर चार, दोस्तों नवरात्रि में आपको आपके घर के आसपास किसी भी माता जी का मंदिर हो, कोई सा भी मंदिर हो, वहां पर लाल रंग की ध्वजा, पताका, परचम, झंडा किसी भी दिन जाकर चढ़ाना चाहिए दोस्तों। उपाय नंबर पांच, दोस्तों नवरात्रि में आपको देवी माँ को ताजे पान के पत्ते, पशुपारी और सिक्के रखकर समर्पित करना चाहिए दोस्तों। उपाय नंबर छह, दोस्तों माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाना अवश्य है। उपाय नंबर सात, दोस्तों मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें और फिर उसे गरीबों में बांट दे दोस्तों। उपाय नंबर आठ, दोस्तों छोटी छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ भेंट करें दोस्तों। उपाय नंबर नौ, दोस्तों नवरात्रि के दौरान अपने घर में सोना या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री, स्वास्तिक, ओम, श्री, हाथी, कलश, दीपक, गरुड़, घंटी, पात्र, कमल, श्रीयंत्र, आचमनी, मुकुट, त्रिशूल खरीदे और देवी दुर्गा के चरणों में रखें और इसकी पूजा करें। फिर नवरात्र के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी या आप जहां पर अपना पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, उस जगह पर रख दीजिए। इससे आश्चर्यजनक रूप से धन की। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इन उपायों का प्रयोग कर सकें।